कोडरमा के तेलिया थाना क्षेत्र के नरेश नगर में अमर कुमार उर्फ लल्लू की हत्या के विरोध में आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने गायत्री कॉलोनी के समीप NH 31 पर सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान परिवार की महिलाओं ने सड़क पर ट्रकों के नीचे लेटकर विरोध जताया, साथ ही हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। कि भाई की मौत हुई है, मेरे फोन पे 6 बजे फोन आई एक अनोन कॉल से। वो फोन किए, बोले कि आपका भाई ऐसे यहाँ जख्मी हालत में पड़ा हुआ है भाडोडी नाला के पास, ठीक है। और उस दौरान हम वहाँ पे गए तो देखे मेरा भाई वहाँ घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। हम उसको वहाँ से उठाकर लाए, पार्वती में पहले लाए, वहाँ इलाज कराया, फिर वहाँ से सदर लेके गए। सदर में भाई को मेरा सलाइन में लाइन भी हुआ और 1 बजे उसका डेथ हो गया। मरने से पहले क्या बता पाया आपका? मरने से पहले वो इशारे में बताया कि हम उससे पूछे कैसे कैसे हुआ, तो बताया कि 5 तन का उसको मिल के मारा है, कोई रट से ही मारा है उसको, जिससे उसका माथा फट गया है, पूरा पीछे का रीढ़ का हड्डी टूट गया है। क्या क्या कारण हो सकता है, क्या पता चल पाया है अभी तक? तो अब देखते हैं पुलिस क्या बताती है। वहीं दूसरी तरफ जाम हटाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि जाम हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इसी दौरान आक्रोशित लोग और पुलिस के जवानों के बीच नोकझोंक हुई। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। बता दें कि कोडरमा स्टेशन के दक्षिणी केबिन के पास अमर कुमार के साथ जमकर मारपीट की गई थी, जिसके बाद इलाज के क्रम में सुबह युवक की मौत हो गई थी। दरअसल मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। जैसा अमर कुमार नाम है, उसका पिताजी का नाम है बलराम सिंह और ये नरेश नगर का रहने वाला है। वो घटना पता चला कि उसको कुछ लोग है सो बाईपास रोड में ओवर ब्रिज है उसके नीचे है सो मारपीट करके नाला में फेंक दिया था। तो स्थानीय लोगों के द्वारा उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद निजी हॉस्पिटल है, उसके बाद सदर हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहाँ मृत उसको घोषित किया गया। इस संबंध में जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला है, इसी में किसी से विवाद होने के चलते दोनों विवाद के चलते मारपीट हुआ है और मारपीट में उसकी मौत हुई है। इस संबंध में उसके मोबाइल को खंगाल लिया जा रहा है, टेक्निकल से उसको निकाला जा रहा है कि इसमें कौन शामिल है। लेकिन कुछ लोग बताएं कि नहीं सो रड लेके कुछ लड़के लोग बैठे हुए थे। थाना प्रभारी को ये निर्देश दिया गया कि जो सूचना दे रहा है उसके आधार पर जो लड़के रड लेकर बैठे हुए तो उसको लाके पूछताछ किया जाए और पूछताछ करने के बाद खुलासा होने पर बताया। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है? हाँ, हिरासत में नहीं, उसको पूछताछ के लिए हिरासत में ये डिटेन किया गया है। उसको हिरासत नहीं कहा जा सकता है, उसको पूछताछ करने के बाद अगर साबित होता है तो उसको जेल भेज देंगे। वहीं SDPO राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस कांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोडरमा से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट।